फ्यूचर ट्रेडिंग एक परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत से लोगों के लिए रहस्यमय और जटिल हो सकता है। सोचो, ये एक ऐसा वादा है जहां आप कोई चीज या शेयर आगे चलकर खरीदने या बेचने का वादा करते हो, वो भी एक फिक्स प्राइस पर। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, लेकिन चिंता मत करो, हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग को समझना मुश्किल नहीं है अगर आप इसके मूल सिद्धांतों को समझ लें। मान लो आपको सोना खरीदना है, लेकिन आपको लगता है कि अगले महीने सोना सस्ता हो जाएगा। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हो। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको आगे चलकर एक फिक्स प्राइस पर सोना खरीदने का हक देता है। सोचो, अगर सोना सचमुच सस्ता हो गया तो आपका फायदा ही फायदा, लेकिन अगर सोना महंगा हो गया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में जोखिम और लाभ दोनों होते हैं। यह शेयर मार्केट जैसा ही है, लेकिन यहां आप सीधे शेयर नहीं खरीदते, आप शेयर के आगे के प्राइस पर दाम लगाते हो। यह एक प्रकार का अनुमान है जो सही होने पर आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। फ्यूचर ट्रेडिंग शेयर मार्केट जैसा ही है, लेकिन यहां आप सीधे शेयर नहीं खरीदते, आप शेयर के आगे के प्राइस पर दाम लगाते हो। यह सारा ही कि एक प्रकार का अनुमान है जो सही होने पर आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है, लेकिन अगर आपका अनुमान गलत हुआ तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग में समझदारी और सावधानी बहुत जरूरी है। यह थोड़ा रिस्की तो है, लेकिन अगर समझदारी से खेला जाए तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों, यह था फ्यूचर ट्रेडिंग का एक छोटा सा परिचय। उम्मीद है कि अब आपको यह थोड़ा कम जटिल लग रहा होगा। अगले अध्याय में हम और गहराई से इस पर चर्चा करेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए आपको दो लोगों को समझना होगा, खरीदार और विक्रेता। फ्यूचर ट्रेडिंग में खरीदार और विक्रेता एक निश्चित तारीख पर एक निश्चित दाम पर किसी वस्तु को खरीदने और बेचने का वादा करते हैं। खरीदार को लगता है कि दाम बढ़ेंगे, इसलिए वह अभी के दाम पर खरीदने का वादा करता है ताकि भविष्य में लाभ कमा सके। जबकि विक्रेता को लगता है कि दाम घटेंगे, इसलिए वह आपके पास अभी के दाम पर बेचने का वादा करता है ताकि भविष्य में नुकसान से बच सके। मान लो एक किसान गेहूं उगाता है और उसे डर है कि आगे चलकर गेहूं के दाम गिर जाएंगे। ऐसे में वह अपने गेहूं को एक फिक्स दाम पर बेचने का वादा करके अपने जोखिम को कम कर सकता है। तो वो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचकर अपने गेहूं को एक फिक्स दाम पर बेचने का वादा करता है। इससे उसे यह सुरक्षा मिलती है कि चाहे बाजार में दाम कुछ भी हो, उसे एक निश्चित दाम मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एक बिस्कुट कंपनी को लगता है कि गेहूं महंगा होगा, इसलिए वह अभी के दाम पर खरीदने का वादा करती है ताकि भविष्य में उसे सस्ता गेहूं मिल सके। तो वो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदकर आगे चलकर एक फिक्स दाम पर गेहूं खरीदने का वादा करती है। इससे कंपनी को यह सुरक्षा मिलती है कि चाहे बाजार में दाम कुछ भी हो, उसे एक निश्चित दाम पर गेहूं मिलेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का टाइम आता है, तब दोनों पक्षों को उस फिक्स दाम पर सौदा करना ही पड़ता है। फिर चाहे मार्केट में भाव कुछ भी हो। इस प्रकार फ्यूचर ट्रेडिंग खरीदार और विक्रेता दोनों को भविष्य के अनिश्चितताओं से बचने में मदद करती है। फिर चाहे किट्स में से भाव पर खमों की कुछ भी हो, फ्यूचर ट्रेडिंग का यह तरीका बाजार में स्थिरता लाने और व्यापारियों को जोखिम प्रबंधन में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्यूचर ट्रेडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका। इसमें आप भविष्य के किसी समय पर किसी वस्तु या स्टॉक को खरीदने या बेचने का अनुबंध करते हैं, क्योंकि यहां आप मार्जिन पर ट्रेडिंग करते हो, मतलब कम पैसे लगाकर भी बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। यह आपको अपने निवेश को अधिकतम करने का अवसर देता है। दूसरा फायदा है मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाव। फ्यूचर ट्रेडिंग आपको बाजार की अस्थिरता से बचने का एक साधन प्रदान करती है। अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचकर अपने पैसे को सेव कर सकते हो। तीसरा फायदा है लीवरेज। इसका मतलब है कि आप अपने पास मौजूद पैसे से कई गुना ज्यादा पैसे का लेन देन कर सकते हो। यह आपको कम निवेश में अधिक लाभ कमाने का अवसर देता है। फ्यूचर ट्रेडिंग के नुकसान। जहां फायदे हैं, वहीं नुकसान भी तो होंगे।
सबसे बड़ा नुकसान है रिस्क। फ्यूचर ट्रेडिंग में मुनाफा तो हो सकता है, लेकिन नुकसान होने का भी डर तो रहता ही है। दूसरा नुकसान है इसकी मुश्किलें। फ्यूचर ट्रेडिंग को समझना और इसमें माहिर होना आसान नहीं है, इसके लिए आपको मार्केट का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। तीसरा नुकसान है मार्जिन कॉल। अगर आपका सौदा आपके सोच के उल्टा जाता है तो आपको मार्जिन कॉल का सामना करना पड़ सकता है।